कैसी है अदावत की मोहब्बत ही मर गई, मैं चीखता ही जा रहा हूँ सुन रही हो। गीतों में तुम्हें गा रहा हूँ सुन रही हो ना, कब से तुम्हें बुला रहा हूँ सुन रही हो ना। तो क्या हुआ कि तुम हमारे हो नहीं सके, तो क्या हुआ कि तुम हमारे हो नहीं सके, हर दम तुम्हें निभा रहा हूँ सुन रही हो। और अगले खेल में एक लफ्ज है अदावत, मानी है दुश्मनी। कि कैसी है अदावत की मोहब्बत ही मर गई, मैं चीखता ही जा रहा हूँ सुन रही हो। गीतों में तुम्हें गा रहा हूँ सुन रही हो ना, कब से तुम्हें बुला रहा हूँ सुन रही हो। बहुत सारे लोग यहाँ भी आए मंच पर बता रहे थे कि हमें प्रेम नहीं हुआ, फिर भी पढ़ देता हम बताएं, बहुत तगड़े का प्रेम हुआ। और इस प्रेम की पंडिती क्या है ये इस शेर में सुनिए। तुमको ही भुलाने की कवायद शुरू हुई, तुमको ही भुलाने की कवायद शुरू हुई, तुमको ही गुनगुना रहा हूँ सुन रही हो। गीतों में तुम्हें गा रहा हूँ सुन रही हो ना, कब से तुम्हें बुला रहा हूँ सुन रही हो। सबसे खूबसूरत सी बात जो है, जितने भी नए कलमकार हैं, थोड़ा समय दो मिनट बातचीत कर सकता हूँ, बहुत छोटी सी बात, इस चीज को दिमाग में रखिए। कभी भी मंच के लिए आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी चीज, हमेशा सीखने के मूड में। आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं जिसको अगर आप दूर कर दें तो आप हर उस जगह को, हर उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। आपके अंदर चार मंच पाने के बाद ये नहीं आ जाना चाहिए, जैसे बहुत तरह के लोग होते हैं, इंसानों की एक कैटेगरी ऐसी है कि थोड़ा सा पैसा आया नहीं कि स्कॉर्पियो और चार जो है सलाहदारी साथ लेके चल रहे हैं, तो उससे बचिएगा। जीवन में विनम्रता जितनी बनी रहे आप उतने अच्छे हैं, आप उतना आगे जाएं। जितना ज़्यादा आपके पास ताकत आती जाए आप उतने ज़्यादा विनम्र होंगे। अगर आप एक कलाकार हैं तो आपके अंदर ये गुण औरों से ज़्यादा अपेक्षित है। एक दूसरे को सुनिए। अभी एक बात हो रही थी कि पीछे से कुछ कमेंट आ रहे हैं, कोई किसी तरह की लफाजियां चल रही, कोशिश करिए कि ये चीज़ें ना हो। बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको अपनी आर्ट को जितना लोगों को दिखाने में इंटरेस्ट होना चाहिए उससे ज़्यादा कि लोग क्या कह रहे हैं ये भी समझिए। जो वक्त को नहीं सुनता वक्त के साथ, ये वक्त है सुनने का, सुनाने का। खूबसूरती से अपना काम आगे करते रहिए और विनम्रता बरकरार रखिए, बहुत प्यार से। देखिए क्या है ना कि कविता कहानी ये सब एहसासों को शब्द देने का काम, और एहसास इतनी आसानी से नहीं लिखा जा सकता। आसान लिखना बहुत कठिन, कठिन लिखना बहुत आसान। अगर आप इस विचार को समझ पाए, इसको उतार पाए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुभकामनाएं आपको और आप लोगों को कि आपने बहुत अच्छी महफिल सजाई। और इम्पॉर्टेंट बात यह है ना कि किसी भी शहर में इस तरह की गतिविधियां होती रहनी चाहिए। इससे ये होता है कि जो नए कलाकार हैं उनको आप मंच दे रहे होते हैं, कल को यही कहीं पहुंचते हैं और कोई बड़ा काम करते हैं, तो ये जो रास्ते के मंजर है ना ये बहुत जरूरी है। मैं भी पहले भी बैठा था तो मैं ये चीज़ कह रहा था कि रास्ते की जो मंजर है ये एक मंजर है जो गुजरेगा, लेकिन ये कि इसके बाद जब आप आएंगे तो और खूबसूरती से। तो इस चीज़ को विश्वास मानिए कि आपको लगातार सीखने के क्रम में होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, कोशिश करिए कि अपने वक्त के साथ चलिए। और कुछ बड़ा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं हासिल कर सकते।